बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ पर भी होंगे मज़े में होंगे। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अरबियाँ, बहुत ही ज़बरदस्त मसाले वाली अरबियाँ हैं। इसे मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, इसमें मिट्टी बहुत होती है और क्योंकि ये ज़मीनी सब्जी है। और इसके साथ हमने टमाटर लिए हैं एक पाव, और हम आपको और मसाले दिखाएंगे कौन कौन से इसके अंदर ऐड होंगे। तो इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा और वीडियोस को शेयर करते जाइएगा अदर ग्रुप्स में, फैमिलीज में, फ्रेंड लिस्ट में। ये देखिएगा व्यूअर्स, से मैंने कटिंग कर लिया है अरबियों को, आधा किलो अरबियां हैं और इसी के हिसाब से हम मसाला बनाएंगे। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यह मैं वॉश करूंगी, इसे कटिंग करते हुए हाथों में जो होती है वो ख़ारिश, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी कि इसे कटिंग करने से पहले जो है सरसों का तेल थोड़ा सा हाथों पे अच्छी तरह से मसाज कर दिया जाए तो ये इससे ख़ारिश नहीं होगी अरबियां कटिंग करने से। और इसके अलावा अगर आप ग्लव्स पहन के इसे कटिंग करते हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने टिप्स भी आपको बता दी, इसे मैं वॉश कर लूँगी अच्छे से और वॉश करके इसे स्ट्रेनर में रखूँगी, इसके बाद फिर हम इसका भंगार लगाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सेकेंड ट्रिप्स इसके अंदर ये है कि आप इसे कटिंग कर लें और अगर आपके हाथों पे ख़ारिश होती है और आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं तो उसके बाद आप अच्छी तरह से आटे को गूंद लीजिए। आप आटे को गूंद लेंगे रोटियां बनाने के लिए या पराठा बनाने के लिए, तो उससे आपके हाथों पर कभी ख़ारिश नहीं होगी। तो ये मेरी अम्मी की बताई हुई है टिप्स के। यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल में यहाँ पर दो खाने के चमचे यहाँ पर मैं डालूंगी, तेज पात के पत्ते और अनियन ले गई है, और अनियन है दो बड़े साइज में, क्योंकि हम अरबी मसाला बना रहे हैं तो हमें मसाला लाकर बनाना होगा यहाँ पे। और इसे हम फ्राई कर देंगे, फ्राई करते जा रहे हैं हम प्याज को। बहुत आसान सी रेसिपी है ये अरबी मसाला, आपको ज़रूर से बताइएगा। इससे पहले आपने ये रेसिपी कभी नहीं बनाई होगी। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक और टमाटर लिए हैं, अदरक लहसुन डालेंगे, एक खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे हल्दी जरूरत, थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे एक चम्मच, उसके बाद डालेंगे थोड़ी लाल मिर्च एक चम्मच, और इन सब मसालों को एक साथ भून लेंगे। तो देखें जीरा एक चम्मच लिया है मैंने, अब यहाँ पर होगी इसकी अच्छी सी भुनाई। 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, टमाटर सॉफ्ट ही होंगे प्याज के साथ में मसाले के, तो उसे हम भून लेंगे और अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अरबियां डालने के बाद मसाले के साथ में इसमें डालूंगी मेथी, इसे मैं भीन लूंगी और इसे अच्छी तरह से वॉश करूंगी, इसके अंदर मिट्टी होती है। यहाँ पर मैंने मेथी जो है कसूरी मेथी दो दफा पानी से धो ली थी, तीसरे पानी मैंने इसे यहाँ भिगो के रख दिया है, जो भी मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और इसे हम फिर उसके बाद एक बार फिर धो के दोबारा से डालेंगे। और यहाँ पर ये मैंने इस तरह से शेप में कटिंग की, आप चाहें तो फ्रेंच फ्राइज शेप में भी कटिंग करके इसे बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। यहाँ पर देखते हैं अपने मसाले को,
थोड़ा सा पानी डालेंगे यहाँ पे। बाकी मसाला ये साइडों से पैन में लगे रहा। फ्लेम हाई कर देंगे। और इसे भूनेंगे जब तक टमाटर और प्याज एक जहां मसाले में मिक्स नहीं हो जाते। काफी हद तक यहाँ पर मसाला भून गया था। यहाँ पर अभी मैं अलविया डालूंगी। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है अरवी के साथ, और इसे हम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम को हाई ही रखेंगे। यहाँ पर मुझे लगेगा ऑयल कम है या फिर थोड़ी सी मिर्ची कम है, तो मैं ऑयल गर्म करके और उसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची लूंगी, थोड़ी सी हल्दी लूंगी और उसे अच्छी तरह से इसमें डाल के फ्राई करके डाल के और उसे भून लूंगी अच्छे से। यहाँ पर चॉइस आपकी है कि आप इसे कितना ठीक है भुना हुआ रख सकते हैं, कितना शोरबा बनाना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसे आप मसूर की दाल की खिचड़ी के साथ खाएं और हरी मूंग की दाल के छिलकों वाली उसके साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, चपाती नान के साथ खाएं, बहुत मजे की लगती हैं। इसे सर्व करते हुए इसमें लेमन जूस ऐड करें, गरम मसाला, काली मिर्ची ऐड करें, बहुत ज़बरदस्त लश जायका देती हैं ये, मस्त जायका। उसके अलावा ये एक से दो भाप में गल जाती हैं, इसमें पानी बहुत कम जाएगा, मिनिमम आधा गिलास पानी जाएगा, बहुत कम पानी। डिनर में खाएं, लंच में खाएं, ब्रेकफास्ट में खाएं, बहुत ही जबरदस्त यमी। यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा और इसे मैं मिक्स करूंगी और इसे रेड लगा के रख दूंगी। स्लो आंच पे 10 मिनट के लिए, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी व्यूअर्स, देखिएगा इसका मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दी है और ये रेडी है। बहुत ही जबरदस्त यम्मी सी खुशबू यहाँ पे आ रही है। अरवी हमारी मसाले वाली रेडी है। इसे मिक्स अचार के साथ खाएं आप लोग और बहुत ही मजे का ये ठीक है जबरदस्त सा जायका देंगी। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा इसे लहसुन की चटनी के साथ, अचार के साथ आप इसे खाएं, रायते के साथ खाएं, बहुत मजे की लगेगी। और इसे पराठों के साथ खाएं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो यही हमारा फाइनल लुक है, जबरदस्त मसाले वाली अरवियां यहाँ पर रेडी हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।